आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब अपने किसी इष्ट का वियोग हो जाने पर जो हम निरंतर शोकाकुल रहते हैं, निरंतर चिंता में पड़े रहते हैं, हमारे अंदर शोक का भाव बहुत ज़्यादा अगर गहरा जाता है तो ये मान के चलना कि इसी शोक परिणाम के कारण से आपके लिए इस तरह की आयु का बंध भी हो सकता है जो आपको आगे त्रियंश गति में ले जाए। ये किसी जाति विशेष के लिए ज्ञान नहीं है, ये सबके लिए है। आत्मा का यह विज्ञान जो कर्म सिद्धांत के साथ चलता है, हर आत्मा इसी परिणामों के कारण से पशु पर्याय को प्राप्त होती है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है त्रियंश गति में उत्पन्न होने का कारण आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान नरक गति में उत्पन्न होने का कारण कहा गया है, और उस आर्त ध्यान के परिणाम के साथ में जब मनुष्य आयु का उदय भी होता है तो आगे के लिए वह त्रियंश आयु का बंद कर लेता है। इसलिए किसी भी निकट संबंधी का, परिवार जनों का, किसी भी तरह का अगर कभी आकस्मिक वियोग भी हो जाए तो इतना शोक नहीं करना चाहिए कि हम मरते समय तक उस शोक के कारण से अपने आप को संभाल ना पाए। ये सीखना है। लोगों का आना जाना, संबंध बनना बिगड़ना, ये सब संसार की व्यवस्थाएं हैं, चलता रहता है। लेकिन अगर हम किसी के व्यामोह में पड़ करके अपने परिणामों को बहुत ज़्यादा चिंता में, शोक में, निराशा में, दुख में डाल देते हैं तो वह परिणाम हमारे लिए इतने दुखी होने के कारण भी बन सकते हैं कि आगामी पर्याय पशु पर्याय की प्राप्ति बन जाए, पशु पर्याय के लिए कारण बन जाए। ये सबके लिए विज्ञान है, इसमें कोई जातिवाद नहीं चलता, इसमें कोई तरह का पंथवाद नहीं चलता, इसमें कोई रंग भेद का भाव नहीं चलता, ये सबके लिए है। चाहे वो दुनिया का किसी भी गति का, किसी भी देश का, किसी भी शहर का व्यक्ति हो, इस तरह के परिणामों से जिसका मरण होगा वो नियम से देव गति तो दूर, वह त्रियंश गति को ही प्राप्त होगा।